प्यारे प्यारे बच्चों, एपिसोड नंबर 12 में हम सब फिर बैठे हैं स्वाध्याय करने के लिए, धर्म की बातों को सीखने के लिए, समझने के लिए। आप कहेंगे कि गुरुदेव, स्वाध्याय करना क्यों जरूरी है? बहुत जरूरी है। देखो बच्चों, एक आदमी यदि वकील बनता है तो वह कानून की किताब से बनता है। एक आदमी इंजीनियर बनता है तो वह साइंस की किताब से बनता है। एक आदमी डॉक्टर बनता है तो वह मेडिकल की किताब पढ़ के बनता है। एक आदमी टीचर बनता है तो उसे टीचर की किताबें पढ़ना पड़ती हैं। दुनिया में जो भी बनोगे आप, उसके लिए एक किताब ज़रूर होगी। आपको धर्मात्मा बनना है तो वह एक धर्म की किताब आपको ज़रूर पढ़ना पड़ेगी। बिना किताब के तो ज्ञान प्राप्त होता नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान हमारे पास नहीं है, वह अपना सारा ज्ञान शास्त्रों में दे करके हमें गए हैं। समझ में आया? तो हम उन किताबों को पढ़ करके अपने आप को धर्मात्मा बना सकते हैं। धर्म की किताब जिनवाणी, उसे पढ़ करके हम जिनेंद्र बन सकते हैं, क्योंकि जिनवाणी में वही बातें लिखी हैं कि एक संसारी प्राणी, आप और हम जैसे लोग भगवान बनना चाहें तो भगवान कैसे बनेंगे। तो भगवान बनने की एक किताब है, वह शास्त्र है। भगवान बनने की किताब है, वह आगम है। भगवान बनने की किताब है, वह जिनवाणी है। इसलिए हमें स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। कुछ भी बनो इस संसार में, हर चीज़ की एक बुक है। वैसे भगवान बनने की भावना यदि हमारे अंदर जग गई है, आपको लगता है इस संसार में हमें जन्म मरण नहीं करना, पशु गति में हमें जन्म नहीं लेना, नरक में हमें जन्म नहीं लेना, बार बार जन्म मरण नहीं करना, तो हमें भगवान बनना पड़ेगा। क्योंकि भगवान वो होते हैं जिनका जन्म मरण नहीं होता, जो जन्म मरण से मुक्त हो जाते हैं। और जो जन्म मरण से मुक्त हो चुके हैं, वही हमें जन्म मरण से मुक्त कर सकते हैं। उनकी बातें हमें मानना पड़ेगी। सपोज करो, किसी व्यक्ति ने सबसे पहले टीवी का आविष्कार किया। उससे पहले किसी ने टीवी नहीं देखी, आविष्कार एक व्यक्ति ने किया। जब वह टीवी बना करके हमारे सामने रख गया और वो आदमी दुनिया से चला गया, अब आप ये बताइए, उसके टीवी को खोल करके देख कर उसमें जो जो यंत्र लगे हैं, जो जो तार लगे हैं, जो जो मशीनें लगी हैं, वैसे ही मशीन तार इकट्ठा करके हम एक जगह रखकर उन्हें फिर से जोड़ें, वैसा ही वैसा करते जाएं जैसा टीवी बनाने में हुआ है, तो हम एक टीवी फिर बना सकते हैं, देख करके बना सकते हैं। तो हम भगवान तो आज तक नहीं बने हैं, लेकिन जो भगवान बन चुके हैं, ऋषभ देव हमारे भगवान हैं, अजित नाथ हमारे भगवान हैं, शंभवनाथ हमारे भगवान हैं, महावीर हमारे भगवान हैं, पारसनाथ हमारे भगवान हैं, 24 तीर्थंकर हमारे भगवान हैं, ये लोग भगवान कैसे बने, किन कारणों से, किन साधना से, किन पुरुषार्थ से भगवान बने, ये बातें जिनवाणी में लिखी हुई हैं। यदि हम उन बातों को फॉलो करेंगे, उन बातों को अपने जीवन में उतारेंगे और जैसा लिखा है वैसा ही उतारेंगे, एक दिन हम भी भगवान बन जाएंगे। डॉक्टर की किताब में जैसा लिखा वैसा वैसा पढ़ते जाएं और करते जाएं, प्रैक्टिकल भी करते जाएं, तो हम डॉक्टर बन जाएंगे एक दिन। भगवान बनने की यदि भावना है बच्चों, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, एक ना एक दिन तो हम सबको भगवान बनना ही है, बनना ही पड़ेगा। यदि दुखों से मुक्ति चाहते हैं तो भगवान बनने की कोई किताब हमारे पास है तो वह जिनवाणी है। पिछले एपिसोडों में भी आपको हमने जिनवाणी के बारे में बताया था। इसलिए सच्चा धर्मात्मा स्वाध्याय जरूर करता है, सच्चा धर्मात्मा जिनवाणी को जरूर पढ़ता है, क्योंकि बिना पढ़े आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। स्कूल जाना पड़ता है पढ़ने के लिए, बिना स्कूल गए, बिना कोचिंग किए, बिना ट्यूशन पढ़े आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है, किताबों से ही ज्ञान मिलता है। तो बिना मंदिर गए, बिना स्वाध्याय किए, बिना किताबों को पढ़े, हम धर्म अपने जीवन में नहीं ला सकते हैं। और धर्म इसलिए लाना है क्योंकि हमें भगवान बनना है। एक भावना अपने अंदर जागृत करो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों, बरसों नहीं तो अगले जन्म में, अगले जन्म में नहीं तो किसी भी जन्म में एक दिन हम भगवान बनेंगे। आओ भगवान बनने की हम नींव रखना प्रारंभ करें, शिलान्यास करें, स्वाध्याय करें। कोई प्रश्न हो आपके तो अभी आप टीवी पर, हमारे इस मीडिया पर,
स्क्रीन पर आप देखेंगे अंकित जैन दिल्ली का नंबर है, आप फोन लगाकर प्रश्न कर सकते हैं। कल फिर हम मिलेंगे आपसे 5 मिनट की पाठशाला में।